हेलो नाजरीन, एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ तुर्की के मशहूर ड्रामा लव इधर उधर की, जो पाकिस्तान में उर्दू डबिंग में अभी चल रहा है और इसकी 55 एक साथ आने हो चुकी हैं। ये ड्रामा पाकिस्तान और इंडिया में बहुत मकबूल हो रहा है। इस ड्रामे में अचानक से आयशा, जो कि मेन किरदार अदा कर रही थी, इस किरदार को ख़त्म कर दिया गया। काफ़ी लोगों में तो जज्बा पाया गया है कि आयशा के किरदार को क्यों ख़त्म किया गया है। ये ड्रामा एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, मगर हैरतअंगेज बात यह है कि इस ड्रामे को तुर्की में लो रेटिंग हासिल रही। इस ड्रामे के दौरान लो रेटिंग की वजह से इस ड्रामा के शो मेकर्स ने स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 6 स्क्रिप्ट राइटर को हायर किया और इस ड्रामा के दौरान ही 3 डायरेक्टर्स को तब्दील भी किया गया, मगर फिर भी कोई फ़ायदा हासिल ना हो सका। इस ड्रामे की टाइमिंग तक को तब्दील किया गया, फिर भी सिचुएशन सेम रही और बाद में इस सिचुएशन का ज़िम्मेदार आयशा को ठहरा दिया गया है। उनका कहना है कि आयशा की केमिस्ट्री हीरो, जो कि फुरकान आंडिच हैं, उनसे नहीं मिलती। और फिर ड्रामे में ट्विस्ट लाकर आयशा के किरदार को निकाल दिया गया और बाद में किरदार की जगह शेर के किरदार को शामिल कर लिया गया है। यही वजह थी कि आयशा के किरदार को ड्रामे से निकाला गया। आई होप यू लाइक माई वीडियो। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक्स।